हे गाइज, तो आज हम बात करने वाले हैं एमस्टॉक में अकाउंट ओपन करने के बाद अपने अकाउंट को एक्टिवेट करने के लिए फर्स्ट डेमो ट्रेडिंग कैसे कंप्लीट करेंगे। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप डिटेल में एक्सप्लेन करने वाला हूं अपने अकाउंट को आप लॉगिन कैसे करेंगे, अपने अकाउंट में आप फंड कैसे ऐड करेंगे और किस तरीके से फर्स्ट ट्रेडिंग कंप्लीट करेंगे, मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन करने वाला हूं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो गाइज, एमस्टॉक में अकाउंट ओपन करने के बाद अपने अकाउंट को एक्टिवेट करने के लिए फर्स्ट डेमो ट्रेडिंग कंप्लीट करना होता है, तो पहले आपको एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना है और ओपन करना है। ओपन करने के बाद यहाँ पे आपको ऐसा इंटरफेस आएगा, अपने अकाउंट को आपको लॉगिन करना होता है। लॉगिन करने के लिए आपका जो यूजर आईडी होता है वो आपको मेल या मैसेज पे आता है, जो कि एमए से स्टार्ट होगा। तो यहाँ पे आपको पासवर्ड फॉरगेट करना होगा। पासवर्ड फॉरगेट करने के लिए सिंपली फॉरगेट पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे ऐसा इंटरफेस आएगा, यहाँ पे आपको अपना क्लाइंट कोड एंटर करना है, जो कि मेल या मैसेज पे आया होगा, आप चेक कर लेना। और आपने अकाउंट ओपन करने के टाइम जो भी ईमेल आईडी यूज किया है, यहाँ पे आपको ईमेल आईडी फिल करना है और यहाँ पे आपको अपना पैन कार्ड नंबर फिल करना है और सिंपली सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके नंबर पे ओटीपी आएगा। ओटीपी सिंपली आपको यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक करना होता है और क्लिक करने के बाद सिंपली आपको ओटीपी इंटर करना है। इंटर करने के बाद यहाँ पे ऐसा इंटरफेस आएगा, यहाँ पे आपको पासवर्ड क्रिएट करना है अपने अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे आपको न्यू पासवर्ड इंटर करना है, यहाँ पे कंफर्म इंटर करना है और यहाँ पे सिंपली सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद अपने अकाउंट को आप लॉगिन कर पाओगे। तो लॉगिन करने के बाद कैसा इंटरफेस आएगा, आइए दिखाते हैं। एप्लीकेशन को ओपन करोगे, ठीक है। लॉगिन करने के बाद यहाँ पे ऐसा इंटरफेस आएगा। तो देखो, यहाँ पे आपको ट्रेडिंग करने के लिए फंड को ऐड करना होता है, ठीक है। तो फंड ऐड आप कितना चाहे, मतलब आप जितना भी अमाउंट को ऐड करना चाहे कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे ट्रेडिंग करने के लिए मैं ऐड करूँगा 20 या 50, जो भी ऐड करना चाहे आप कर सकते हो, ठीक है। तो फंड ऐड करने के लिए यहाँ पे देखो ऐड फंड वाला जो ऑप्शन दिख रहा है, इस पर सिंपली क्लिक करना होता है, ठीक है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखो जो मेरा फंड बैलेंस दिख रहा है, यहाँ पे आपको 7.59 दिख रहा है। पेमेंट ऐड करने का दो ऑप्शन है, UPI के थ्रू, नेट बैंकिंग के थ्रू। अमाउंट यहाँ पे आपको इंटर करना होता है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इंटर करूँगा 20 रुपीज़, ठीक है। इंटर कर लिया यहाँ पे, आप जितना भी अमाउंट करना चाहे आप कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग, ठीक है। तो मैं करूँगा 20 रुपीज़। यहाँ पे ऐड फंड पर क्लिक करते हैं। ऐड फंड पर क्लिक करने के बाद देखो यहाँ पे पेमेंट का पेज ओपन हो रहा है। मैं यहाँ पे पे वाला ऑप्शन पर क्लिक करूँगा और यहाँ पे पेमेंट का ऑप्शन आ गया। तो मैं UPI ID, यहाँ पे देखो फ़ोनपे ऑप्शन है, पेटीएम ऑप्शन है, मैं UPI ID के थ्रू करना चाहूँगा क्योंकि ये अदर फ़ोन है, मेरा फ़ोन सेम नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे अपना UPI ID मैं इंटर करूँगा, ठीक है। इंटर करने के बाद पे नाउ पर क्लिक करता हूँ, मेरा पेमेंट का रिक्वेस्ट यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक करता हूँ, मेरा फ़ोन में पेमेंट का रिक्वेस्ट चेक करता हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ से पेमेंट कर लेता हूँ फटाक से, है देखो यहाँ पे पेमेंट मेरा सक्सेसफुली पेमेंट हो चुका है, 20 रुपीज़ मेरा ऐड हो चुका है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग सिंपली करेंगे क्या, देखो यहाँ पे पेमेंट मेरा ऐड हो गया 20 रुपीज़ सक्सेसफुली, ठीक है। मेरा फंड में देखो यहाँ पे जो बैलेंस था, ठीक है, अभी देखो 27 दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है, 27 बैलेंस दिख रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे आपको ट्रेडिंग कंप्लीट करने के लिए करना क्या होगा, यहाँ पे आपको स्टॉक सर्च करना होगा, यानी कि परचेस करना होगा। तो कैसे करोगे, तो सिंपली देखो यहाँ पे ऑप्शन लिखा हुआ यहाँ पे नीचे सर्च का, ठीक है। तो यहाँ पर सर्च का ऑप्शन है या फिर वॉचलिस्ट पर क्लिक कर सकते हो, ठीक है। सिंपली करना क्या होगा, सर्च वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना होता है और यहाँ पे आपको स्टॉक सर्च करना है। तो कौन सा स्टॉक सर्च कर सकते हो जो कि 20 रुपीज़ के अंदर परचेस हो सकता है, तो मल्टीपल स्टॉक है, ठीक है। पहला जो स्टॉक है आपका, जैसे कि आप कर सकते हो JP Power, जो JP Power है, देखो यहाँ पे JP Power पहला आ गया, ठीक है। इसको आप परचेस कर सकते हो, JP Power का प्राइस देखते हैं, इसका प्राइस है 8.45, ठीक है। तो 20 रुपीज़ के अंदर दो स्टॉक परचेस हो जाएगा। या फिर आप आइडिया कर सकते हो, यहाँ पे आपको सर्च करना होगा आइडिया, ठीक है। तो देखो यहाँ पे आइडिया पहला जो ऑप्शन आ गया, ये वाला आइडिया, इसको भी आप परचेस कर सकते हो। इसका प्राइस कितना है देखते हैं, इस पर क्लिक करते हैं और यहाँ पे इसका प्राइस है 9.80, ठीक है। इसको भी परचेस कर सकते हो, या तो फिर आप विकास लाइफ केयर कर सकते हो। विकास लाइफ केयर, देखो यहाँ पे विकास आ गया लाइफ, है ना, यहाँ पे देखो सेकंड नंबर पे आ गया विकास, इस पर क्लिक करते हैं। और इस पर क्लिक करने के बाद देखो इसका जो प्राइस है 4.55। तो चलो हम लोग इसका स्टॉक परचेस करते हैं। तो यहाँ पे सिंपली आपको जो ऑप्शन दिख रहा है, बाय वाला ऑप्शन पर क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखो ऐसा इंटरफेस आया। तो यहाँ पे जो ऑप्शन है, ये जो ऑप्शन दिख रहा है आपको, ये आपको इन्वेस्ट ही रहने देना है, यहाँ पे आपको मार्केट ही रहने देना है। और यहाँ पे आपको सिंपली टिक कर लेना अगर टिक नहीं है तो, और यहाँ पे आपको क्वांटिटी इंटर करना है, जितना भी क्वांटिटी परचेस करना चाहते हो। तो मैं करूँगा यहाँ पर 2 क्वांटिटी 2 मैंने कर दिया है। और सिंपली यहाँ पे जो बाय वाला ऑप्शन दिख रहा है, बाय वाला ऑप्शन पर क्लिक करते हैं, ठीक है। और क्लिक जैसे करते हैं यहाँ पे सिंपली आपको करना क्या होगा, यस पे क्लिक करना है। यस पे क्लिक करने के बाद देखो जो मेरा ऑर्डर है सक्सेसफुली परचेस हो चुका है, ठीक है। तो व्यू ऑर्डर पे क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद यहाँ पे ऑर्डर आप देख सकते हो, ठीक है। यहाँ पे जो मेरा ऑर्डर है परचेस हो चुका है, ठीक है, देख रहे हो यहाँ पे एग्जीक्यूटर दिख रहा है, मेरा ऑर्डर परचेस हो चुका है। अगर इस स्टॉक को सेल करना चाहते हो तो सेल करके पैसे को आप रिटर्न भी ले सकते हो, लेकिन स्टॉक को आपको सेम डे सेल नहीं करना है, एटलीस्ट 1 या 2 डेज वेट करना, ठीक है।
और ट्रेडिंग करने का जो टाइमिंग है मंडे टू फ्राइडे 9:15 से 3:15 के बीच में ट्रेडिंग कर सकते हो या सेल भी कर सकते हो, ठीक है। तो जैसे कि आप सेल करना अगर चाहते हो तो सेम डे आप सेल मत करना, नहीं तो ट्रेडिंग जो आप किए हो उसका कोई बेनिफिट होगा नहीं, ठीक है, आपको काउंट में भी नहीं आएगा। तो सिंपली सेल करने के लिए करना क्या होगा, जैसे आप नेक्स्ट डे सेल करना चाहते हो, ठीक है, सिंपली करना क्या होगा, ये जो स्टॉक है इस पर सिंपली आपको क्लिक करना होगा, ठीक है, और यहाँ पे देखो सिंपली करना क्या होगा, ठीक है, इस पर क्लिक करते हैं और यहाँ पे देखो ऐसा इंटरफेस आ गया। तो नीचे देखो ऑप्शन दे गया बाय और सेल का, सेल का ऑप्शन दे रहा है, बाय का ऑप्शन दे रहा है, ठीक है। सिंपली करना क्या होगा, यहाँ पे आपको सेल पे क्लिक करना। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, प्लीज आप लोग सेम डे स्टॉक को सेल मत करना, ठीक है, नहीं तो वो काउंट में नहीं आएगा, वो स्टॉक जो आपने ट्रेडिंग किया है वो वैलिड नहीं होगा, ठीक है। तो क्योंकि देखो अभी क्या होता है, अगर आप प्रोफेशनल ट्रेडर है इंट्राडे में ट्रेडिंग करना चाहते हो तो अलग बात है, लेकिन अगर फर्स्ट टाइम ट्रेडिंग कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे स्टॉक को सेम डे सेल नहीं करना है, आपको एटलीस्ट वन डे या टू डे स्टे करना है आपको, ठीक है, या छोड़ देना है आपको, सेल नहीं करना है। क्योंकि आप जो ट्रेडिंग करते हो, अगर आप ट्रेडिंग करके रहने भी देते हो तो वो पैसा आपका लॉस भी नहीं जाएगा, वो इंक्रीज ही होगा। क्योंकि देखो विकास लाइफ के जो प्राइस था पहले था 3 पॉइंट कुछ था, अभी देखो यहाँ पे हो गया है 4.55 हो गया है। तो जो आपका जो स्टॉक आपने परचेस किया है वो अगर आपको यहाँ पे रहने भी देते हो तो आपको लॉस नहीं होगा, अगर आप कुछ दिन बाद सेल करोगे तो यहाँ पे आपको 2 रुपये या 1 रुपये का प्रॉफिट ही होगा, ठीक है। सिंपली आपको बाय करके यहाँ पे रहने देना है, और जब भी आप सेल करना चाहो इन फ्यूचर तो सेल करने के लिए सिंपली करना क्या होगा, यहाँ पे देखो क्वांटिटी इंटर करना होगा, ठीक है, यहाँ पे क्वांटिटी इंटर करना, कितना क्वांटिटी सेल करना चाहते हो, तो आपने जितना क्वांटिटी बाय किया है उतना ही क्वांटिटी आपको सेल करना होगा। तो यहाँ पे सिंपली आपको क्लिक करना होगा, ठीक है, मैं करूँगा यहाँ पे 2, और यहाँ पे आपको मार्केट ही रहने देना है, और सिंपली सेल पे क्लिक करना है, यस पे क्लिक करना है, और मेरा जो ऑर्डर है सक्सेसफुली यहाँ पे सेल हो चुका है। इस तरीके से आप लोग बाय और सेल कंप्लीट कर सकते हो। यहाँ पे देखो एग्जीक्यूटेड, एक बार मैंने बाय किया है, ठीक है, यहाँ पे, और सेकंड टाइम मैंने सेल किया है, ठीक है। देखो मैं ऑलरेडी मैंने बहुत पहले ट्रेडिंग कर रख चुका हूँ फर्स्ट टाइम, इसलिए मैंने बाय तुरंत और तुरंत सेल कर दिया। बट आपको सेम डे सेल नहीं करना है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, नहीं तो आपका जो ये ट्रेडिंग होगा वो वैलिड नहीं माना जाएगा, ठीक है। तो सिंपली करना क्या होगा, आप जो भी जैसे कि पैसे आपने जो ऐड किया है ट्रेडिंग करने के बाद, क्या होगा नेक्स्ट या उसके नेक्स्ट डे पैसे जो होता है आपके अकाउंट में रिटर्न आ जाते हैं, ठीक है। तो उसके सिंपली विड्रॉ करने के लिए करना क्या होगा, यहाँ पे क्लिक करना, टोटल जो एसेट दिख रहा है इस पे आपको क्लिक करना होता है, ठीक है। क्लिक करने के बाद देखो यहाँ पे ऐसा इंटरफेस आएगा, तो यहाँ से फंड को आप विड्रॉ तो नहीं कर पाओगे, यहाँ पे देखो ऐसा इंटरफेस आएगा, ऐड फंड पे क्लिक करोगे तो देखो यहाँ पे एक ऑप्शन दिख गया आपका विड्रॉ का, इस पर क्लिक करना, ठीक है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे ऐसा इंटरफेस आएगा, तो मेरे अकाउंट में अभी जो बैलेंस दिख रहा है वो 7.5 नहीं दिख रहा है, क्योंकि मैं बताया अगर आप ट्रेडिंग करते हो तो ट्रेडिंग करने के बाद जो स्टॉक सेल करते हो वो पैसा तुरंत नहीं आता है, एक दिन वेट, वो सेटलमेंट होकर एक दिन के बाद पैसे आपके अकाउंट में आता है जिसको आप विड्रॉ कर सकते हो। तो जैसे आप विड्रॉ करना चाहो तो यहाँ पे अमाउंट एंटर करना 7 रुपीज़, जैसे मान लो मैं 7 करना चाहता हूँ, ठीक है, जितना भी अकाउंट आप शो कर रहा होगा, मेरा यहाँ पे 7.59 शो कर रहा है। तो चलो मैं आपको विड्रॉ करके दिखाता हूँ, ठीक है। ये सिर्फ डेमो ट्रेडिंग होता है, कि मतलब जो मैं दिखा रहा हूँ ये दिखा रहा हूँ कि एज ए बिगिनर आपको फर्स्ट टाइम ट्रेडिंग कैसे करना है, सेल कैसे करना है, और आपको पैसे को विड्रॉ कैसे करना है, फंड को ऐड कैसे करना है, ठीक है। इन फ्यूचर अगर आप अच्छे से करना चाहते हो तो आप पहले मार्केट रिसर्च कर लेना और मार्केट का नॉलेज इकट्ठा कर लेना, लेकिन डेमो ट्रेडिंग करने के लिए सिंपली करना क्या होता है, बस आपको फंड को ऐड करना है, स्टॉक को परचेस करना है और उसको रहने देना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको विड्रॉ फंड पे क्लिक करना होता है, ठीक है, विड्रॉ फंड पे क्लिक करना है, सक्सेसफुली विड्रॉ हो गया, आपके अकाउंट में पैसे आ जाते हैं, ठीक है। तो देखो अभी क्या है, अगर आप फर्स्ट टाइम ट्रेडिंग कर रहे हो तो जो मैंने स्टार्टिंग बताया, फंड को ऐड करना है और स्टॉक को परचेस करके उसको छोड़ देना है, आपको तुरंत सेल नहीं करना है, ठीक है, क्योंकि वो आपका लॉस नहीं होगा। बट बाय कैसे करना होता है, फंड ऐड कैसे करना होता है, सेल कैसे करना होता है, ये मैंने सारे प्रोसेस करके आपको दिखा दिया, ठीक है। लेकिन आप फर्स्ट टाइम अगर आप परचेस करोगे तो स्टॉक को तुरंत सेल मत करना, ठीक है। उसके बाद अगर आप एम स्टॉक एप्लीकेशन के थ्रू अगर आप विदाउट इन्वेस्टमेंट अर्निंग करना चाहते हो, क्योंकि देखो स्टॉक मार्केट में अगर आप अपना इन्वेस्टमेंट जर्नी स्टार्ट करना चाहते हो तो उसके लिए आपको स्टडी करनी होगी और आपको स्किल भी चाहिए, ठीक है। बट अगर आप विदाउट इन्वेस्टमेंट अर्निंग करना चाहते हो तो एम स्टॉक का एक एडवर्टाइजमेंट का पार्ट है जिसको बोलते हैं हम लोग रेफर एंड अर्न, ठीक है। तो यहाँ पे आपको सिंपली 3 लाइन पर क्लिक करना होगा, ठीक है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखो यहाँ पे एक ऑप्शन देगा रेफर एंड अर्न, इस पर क्लिक करना होता है। क्लिक करने के बाद देखो यहाँ पे रेफर करते हो, अगर किसी फैमिली या फ्रेंड सर्कल में या किसी को भी रेफर करते हो तो आपको एक रेफर करने का 555 यानी कि 555 रुपये मिलेगा। रेफर करने के लिए सिंपली करना क्या होगा, यहाँ पे क्लिक टू शेयर पे क्लिक करना होगा, तो आपका रेफर लिंक जनरेट हो जाता है, और जिसे भी रेफर करते हो उसका बेनिफिट कैसे मिलेगा, टर्म एंड कंडीशन अच्छे से रीड करना। टर्म एंड कंडीशन कहाँ पे है, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है,
इस पर क्लिक करना, और क्लिक करने के बाद देखो यहाँ पर लिखा हुआ, अगर आप डायरेक्टली एमस्टॉक एप्लीकेशन के थ्रू रेफर कर रहे हो तो जिसे भी रेफर कर रहे हो, अकाउंट ओपन करने के टाइम एक स्टेप ऐसा आता है जहाँ पे आपको प्लान का ऑप्शन आता है, तो वहाँ पे दो प्लान रहते हैं, एक फ्री प्लान रहेगा, एक आपका ट्रिपल लाइन का प्लान रहेगा। तो आपको अगर ट्रिपल फाइव का बेनिफिट आपको तभी मिलेगा जब आपका अकाउंट जिसको भी आपने ओपन करा रहे हैं उसको ट्रिपल लाइन वाला प्लान को परचेस करना होगा, ट्रिपल लाइन पे करना पड़ेगा, तो जाकर आपको ट्रिपल फाइव का बेनिफिट यहाँ से मिलेगा। ठीक है, यानी कि आपको इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा वन टाइम, बट विदाउट इन्वेस्टमेंट भी एमस्टॉक के थ्रू अर्निंग कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको एक एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना होगा जिसका मैं खुद यूज करता हूँ, उसका नाम है ग्रोमो, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ। सिंपली करना क्या, आपको लिंक एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना है, ओपन करना है, ओपन करने के बाद अगर आप पहली बार एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर रहे हैं तो यहाँ पे आपको अपने प्रोफाइल को कंप्लीट करना होगा, तो ही जाकर आप रेफर करके अर्न करने के लिए एलिजिबल होंगे। यहाँ पे क्लिक करना और यहाँ पे आपको एडिट प्रोफाइल पे क्लिक करना, और क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको अपना बेसिक डिटेल फिल करना होता है, आइडेंटिटी फिल करना होता है, बैंक डिटेल फिल करना होता है, ये डिटेल आपको फिल करना है। और फिल करने के बाद यहाँ पे जो आपका प्रोफाइल होगा 100% कंप्लीट हो जाएगा, यानी कि आप रेफर करके अर्न करने के लिए यहाँ पे एलिजिबल हो चुके हैं। तो होम पेज पे आना है, होम पेज पे आने के बाद हम लोग बात कर रहे थे एमस्टॉक का विदाउट इन्वेस्टमेंट कैसे रेफर कर सकते हैं। तो देखो एमस्टॉक जो है एक डीमैट अकाउंट है, डीमैट अकाउंट पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद यहाँ पे जितने भी इस एप्लीकेशन में डीमैट अकाउंट लिस्टेड है सारे आ गए। तो देखो यहाँ पे एमस्टॉक आ गया, इस पर क्लिक करते हैं, और क्लिक करने के बाद यहाँ पे देख सकते हो अकाउंट ओपनिंग पे आपको 200 मिल रहा है और ट्रेडिंग करने के बाद आपको 500 मिल रहा है। ठीक है, तो अकाउंट ओपन करने के लिए सिंपली करना क्या होगा, लिंक शेयर करने के लिए शेयर विद कस्टमर पर क्लिक करना है, और ध्यान रखना है अगर आप जैसे मान लो अगर 5 फ्रेंड को रेफर कर रहे हो तो आपको एक ही लिंक रिपीट नहीं करना है, आपको हर बार नया लिंक जनरेट करना है। ठीक है, और उसके बाद टर्म एंड कंडीशन को अच्छे से रीड करना है, आप उसी को रेफर कर सकते हो जिसका एज 21 प्लस है, जिसका रेफर कर रहे हो उसका पैन कार्ड आधार कार्ड एक दूसरे से लिंक होना चाहिए, आधार कार्ड उसका मोबाइल नंबर से लिंक होना चाहिए, ये डिटेल अच्छे से रीड कर लेना तो ही आप रेफर करना। ठीक है, और जिसे भी रेफर करते हो वो जैसे सक्सेसफुल अकाउंट ओपन करता है आपको अकाउंट ओपनिंग पर 200 मिल जाएगा, जिसका टाइमिंग होगा 7 से 10 दिन के अंदर पे आउट आता है ग्रोमो में। ठीक है, अगर आपको उसको ट्रेडिंग करवाना है तो जैसे मैंने आपको बताया 20 रुपीज़ का, ठीक है, तो आपको जैसे कि मान लो कि आप इस एप्लीकेशन के थ्रू रेफर कर रहे हो तो देखो यहाँ पे क्या टर्म एंड कंडीशन लिखा हुआ है कि जिसे भी आप रेफर कर रहे हो अकाउंट ओपनिंग पे आपको 200 तो मिल जाएगा, लेकिन आपको 500 तभी मिलेगा जब आपका अकाउंट आपका जो फ्रेंड होगा जिसको भी आपने रेफर किया है वो 200 रुपये का ट्रेडिंग कंप्लीट करेगा। तो ट्रेडिंग कैसे करना होता है वो आपको मैंने बता दिया ऑलरेडी, तो वहाँ पे आप जो 20 रुपीज़ मैंने ऐड किया वहाँ पे आप 210 या 220 ऐड कर लेना, और कोई भी दोस्त 200 रुपये का स्टॉक परचेस कर लेना गूगल पे सर्च करके कि कौन सा स्टॉक 200 में आएगा, सर्च करके आपको परचेस कर लेना। परचेस करने के बाद आपको जब तक पे आउट नहीं आएगा तब तक स्टॉक को आपको सेल मत करना, ठीक है, नहीं तो सेल कर दोगे तो पैसे आपको नहीं आएगा। ठीक है, तो आप जिसे भी रेफर करते हो उसका डिटेल कहाँ पे शो करता है, तो यहाँ पे आना, देखो यहाँ पे कस्टमर का ऑप्शन दिया हुआ है, इस पर क्लिक करना। ठीक है, क्लिक करने के बाद देखो यहाँ पे जिसको भी आपने रेफर किया है अगर उसका अकाउंट पेंडिंग है पेंडिंग में शो करेगा, सक्सेस है सक्सेस में शो करेगा, अगर एक्सपायर्ड है मान लो अगर किसी को आपने रेफर किया उसने अकाउंट ओपन किया तो बट हाफ प्रोसेस किया और उसने कंप्लीट किया ही नहीं तो उसका अकाउंट एक्सपायर्ड हो जाएगा, तो यहाँ पे होगा। जिसका अकाउंट सक्सेस हो जाएगा उसका पे आउट कहाँ पे आएगा, तो देखो यहाँ पे एक ऑप्शन दिखा हुआ है वैलेट का, वैलेट पे क्लिक करना, जो भी पैसे आप अर्न करते हो यहाँ पे आपका इकट्ठा हो जाता है। ठीक है, और यहाँ पे जैसे आपका 100 रुपीज़ होगा, देखो यहाँ पे लिखा हुआ मिनिमम 100 रुपीज़ रिक्वायर्ड टू ट्रांसफर, जैसे 100 रुपीज़ यहाँ पे इकट्ठा होगा आप ट्रांसफर कर सकते हो अपने बैंक में, ट्रांसफर टू बैंक पे क्लिक करना, 10 सेकंड के अंदर आपका जो पैसा होगा आपके बैंक में ट्रांसफर हो जाएगा। कौन से बैंक में ट्रांसफर होगा, तो इस एप्लीकेशन में साइनअप करने के टाइम जो भी अकाउंट को यूज किया है उस बैंक में पैसे आपका ट्रांसफर हो जाता है। इजिली इस एप्लीकेशन के थ्रू रेफर करके अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आप मेरे रेफर लिंक यूज करते हैं एमस्टॉक में तो अकाउंट ओपनिंग का आपको 250 मिलेगा, फ्री ऑफ कॉस्ट अकाउंट ओपन करना होता है। ठीक है, अकाउंट ओपन करने के बाद आपको 20 रुपये का ट्रेडिंग करना है, यानी कि 20 रुपीज़ का ट्रेडिंग करना है फर्स्ट ट्रेडिंग, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में करके दिखाया। अगर वैसे ट्रेडिंग करते हैं तो आपको पर अकाउंट का 400 रुपये मिलेगा, यानी कि अकाउंट ओपनिंग पे 250 मिलेगा, अगर आप उसको ट्रेड करा देते हो तो 250 नहीं आपको टोटल 400 रुपये मिलेगा। ठीक है, इस तरीके से। तो मेरा रेफरल लिंक आपको कैसे मिलेगा, तो उसके लिए आपको व्हाट्सअप का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन दे दिया हूँ, सिंपली आपको मैसेज करना व्हाट्सअप पे, मैं आपको रिप्लाई करूंगा, रेफरल लिंक दे दूंगा और आपको मेरे रेफरल लिंक से अकाउंट ओपन करके अच्छी खासी अर्निंग आप कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करना, अगर इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है क्वेरी है तो सिंपली आपको कमेंट करना है, मैं आपको रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा 100%। ठीक है, अगर आपको वीडियो मेरा अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ताकि आपको ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो का अपडेट मिलता रहे। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।